हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कोबी और भेड़िया की रोमांचक कॉमिक कोबी और भेड़िया का तीसरा भाग। जब किसी को अपने अतीत की तलाश होती है और वो उसे नहीं मिलता, तो उसकी हालत तपते रेगिस्तान में भटकते मुसाफिर की सी हो जाती है। यह मैं कहाँ आ गया हूँ? मेरे गुरुराज भाटी कहाँ हैं? कहाँ है मेरे पिता वुल्फा? कोबी के मस्तिष्क से सभी स्मृतियाँ अभी बिल्कुल मिट नहीं गई थी। मैं वुल्फानों के राजा वुल्फा व कोंकणी की राजकुमारी सुवरिया का पुत्र कोबी हूँ। मुझे मेरे गुरुराज भाटिकी ने पाला, मुझे कठिन परीक्षाओं से गुजारा ताकि मैं जल और थल कहीं पर भी युद्ध कर सकूँ। आत्मरक्षा की हर तरह की युद्ध कलाओं में तपा तपा कर मुझे जैसे कुंदन बना डालने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तड़ाक तड़ाक। और वह दिन मेरी जिंदगी में एक तूफान ला देने वाला दिन साबित हुआ, जब मुझे यह रहस्य पता चला कि क्या ये आप क्या कह रहे हैं गुरुराज, मेरे माता पिता जिंदा हैं तो फिर कहाँ हैं? सब कुछ बताऊंगा बेटे, क्योंकि अब वो समय आ गया है जिसके लिए मैंने तुम्हारे शरीर को फौलाद जैसी मजबूती और हाथों को तीर जैसी तेजी दी है। भेड़िया मानवों के राज्य, गुलफानों के सम्राट 20 वर्ष से कोंकणी की जेल में कैदी पड़े अपने पिता वुल्फा को सामने देखकर मैं जैसे पागल सा हो गया। पिताश्री, पुत्र कोबी, मुझे बताए पिताश्री कि आपकी इस अवस्था के लिए कौन उत्तरदायी है? मैं उसके खून से जब तक आपका तिलक न कर लूंगा मुझे चैन न आएगा। कारण थे राजा कोकण, मेरे नाना श्री, जिन्हें मेरी माता श्री सुरविया और मेरे पिताश्री का साथ गवारा न हुआ था। वे मेरे पिता को कैद करके अपनी बेटी को अपने साथ ले गए थे। और जब राजा कोकण ने हमें बताया कि अब उसे भूल जाओ उल्फा, हमने 20 वर्ष पहले ही उसका विवाह मोरागढ़ के राजा के साथ कर दिया था। नहीं, मगर माता श्री को ना मेरे पिता भूल सकते थे और ना मैं। मोरागढ़ में भीषण जंग मचा दी हमने। और तब बोलो राजा, कहाँ है सुरविया मेरी पत्नी? मगर ये मेरे लिए भयानक पीड़ा के क्षण थे, जब मेरी माता श्री ने अपने पति को पति मानने से इनकार कर दिया। मेरा तुमसे कभी विवाह नहीं हुआ वुल्फा, न तुम मेरे पति हो और न कोबी मेरा पुत्र। क्रोध से भर उठा था उस वक्त मैं मोरा गए राजा को मौत के घाट उतार देने को आगे बढ़ा ही था कि ठहर जा दुष्ट, तू इसी वक्त पत्थर में परिवर्तित हो जा। माता श्री के श्राप से मैं पत्थर में बदलने लगा। तब एक पिता अपने पुत्र की श्राप की विभीषिका से बचाने के लिए गिड़गिड़ा उठा। नहीं, ऐसा मत करो सुरविया, मेरे गुनाहों का दंड हमारे पुत्र को ना दो। तुमसे विवाह छल करके मैंने किया था, उसकी जो चाहे सजा मुझे दे दो। पिता के उस रहस्योद्घाटन पर चौंक पड़ा मैं। दरअसल पिताश्री एक मानव कन्या पर रीझ गए थे। उन्होंने ही तंत्र शक्ति से बांध लिया था माता श्री को, जिससे माता श्री अपने मानव जीवन के बारे में सब कुछ भूल गई थी। और जब वो तंत्र जाल टूटा था तो वे पिताश्री से नफरत करने लगी थी। यह जानकर मैं व्यथित हो उठा। मुझे जरा भी दुख नहीं हो रहा अपने पत्थर बन जाने का माताश्री, क्योंकि मैं पत्थर उसी के साप से बन रहा हूँ जिसकी कोख से मैंने जन्म लिया है। शायद इससे मेरे पिता का गुनाह कुछ कम हो जाएगा। तब जागी माता की ममता और पुत्र को भी अब ये साप मैं वापस नहीं ले सकती। लेकिन यदि कभी अनजाने में तुम्हारे ऊपर किसी कुंवारी कन्या का रक्त टपका तो तुम फिर से जीवित हो जाओगे। मेरे आग्रह पर माता श्री ने मुझे स्वर्ण की प्रतिमा में परिवर्तित कर दिया। उसके बाद समय गुजरता चला गया। शायद हजारों बरस बीत गए। 50,000 बरस बाद मैं एक कुंवारी कन्या का रक्त टपकने से जीवित हुआ। अतीत के भंवर से बाहर आ चुका था कोबी, मगर तब भी मेरे अंदर मौजूद एक शक्ति ने मुझे
एक शक्ति मुझे बांधे रही, मैं वुल्फानो न लौट सका। जहां मेरे पिता थे, गुर्राज भाटिकी थे, आज मुझे लग रहा है कि मैं उस अनोखी शक्ति के बंधन से मुक्त हो गया हूं। मगर यहां तो चारों ओर जंगल है, कहां है वुल्फानो, कहां है मेरे पिताश्री, कहां है गुर्राज भाटिकी? उसी पल हवा में प्रकट हो गए गुर्राज भाटिकी। प्रणाम गुरुराज, तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब लेकर मैं उपस्थित हूँ। अरे मेरा वुल्फानो, ये तो मेरा राजमहल है। ओहो, वुल्फानो के चप्पे चप्पे पर फैली पड़ी सैनिकों की लाशें, उनके शस्त्र, खून से लाल हुई ये धरती, महल की जलती हुई ये दीवारें, तबाही का ये कैसा मंजर है? मेरा वुल्फानो क्या से क्या हो गया? वुल्फानो तबाह हो चुका है, हवा प्रेत की तरह यहाँ पर राज कर रही है। तुम्हें इसे फिर से बसाना होगा, तुम्हें वुल्फानो लौटाना होगा, लौटना होगा कभी को भी। तो क्या मैं वुल्फानो में नहीं हूँ? इस वक्त तुम आसाम के जंगल में हो। वुल्फानो का हाल दिखाने के लिए मैं ही तुम्हारे मस्तिष्क को वुल्फानो पर ले आया हूँ। तो फिर मैं वुल्फानो में कैसे पहुँचूँगा? वुल्फानो पहुँचने का रास्ता है वो किला जिसमें तुमने विदेशियों को बसा रखा है। जाओ को भी उन्हें बाहर निकालो और कब्जा कर लो उस किले पर। अवश्य गुरुराज भाटिकी, अवश्य मैं ऐसा ही करूँगा। मैं जल्दी ही वुल्फानो पहुँचकर आपसे मिलूँगा। उधर भेड़िया जेन वे फुजो के साथ मौजूद था। जेन, भेड़िया मेरा अति दागदार है, तुम चाहो तो मेरे गुनाहों की सजा मुझे दे सकते हो। ऐसा मत कहो बाबा, पश्चाताप इंसान के गुनाहों की सबसे बड़ी सजा है, समा से बड़ी दूसरी कोई सजा नहीं हो सकती बाबा। तब भेड़िया जैन के साथ किले की ओर लौट पड़ा। तुमने देखा जैन, मैंने हिंसा त्याग दी तो मेरे अंदर छिपा जानवर वो कोबी भी तुम दबाकर भाग गया। तुम पूर्ण इंसान बनकर भी जैन की निगाहों में पूर्ण नहीं हो, क्योंकि जैन ने जंगल के जल्लाद भेड़िया से प्यार किया है, जो जुल्म देखकर खोल उठता था। उफ भेड़िया, ये तुम्हें क्या हो गया है? जुल्म तो होने वाला था, लेकिन अब की बार भेड़िया पर ही। अरे भेड़िया, तुम्हारी भेड़िया फौज के सिपाही इस प्रकार घूमते हुए तुम्हारा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? शायद ये भी मुझे पहचान नहीं रहे हैं। मैं अभी इन्हें बताता हूँ कि ग्र, मैं तुम्हारा भेड़िया ही हूँ, कोई गैर नहीं। ग्र, ये हमारा भेड़िया देवता नहीं, बल्कि इंसानियत की वो दुर्गंध है जो हमारे देवता के जिस्म से हर वक्त आती रहती थी। दूर कर दो आज इस दुर्गंध को। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, मुझे लगता है ये हम पर आक्रमण करने आ रहे हैं। यहाँ से चलो भेड़िया। हा हा हा, ये मेरे सैनिक है जैन, भला ये हम पर हमला क्यों करेंगे? मगर जैन की जिद ने भेड़िया को मुड़ने पर विवश कर दिया। मगर मुड़ना भी तो अच्छा साबित ना हुआ। धाड़ भेड़िया, चौंक उठा कोबी को देखकर। भेड़िया, तुम तो तुमने कब्जा कर रखा है मेरे किले पर। ये तो वही है कोबी, जो भेड़िया की ही शक्ति का दूसरा रूप है। तुम्हें मेरा किला खाली करना होगा, भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि ये किला वुल्फानो की जागीर है, उस पर मेरा हक है। तुम भी जाओ यहाँ से लड़की। आह ठहरो, तुम्हें शायद नहीं मालूम कि हम एक ही है, तुम मेरी ही शक्ति का दूसरा रूप हो। तुम चाहो तो तुम भी यहाँ रह सकते हो कोबी, तुम इंसान हो, मैं भेड़िया, मैं तुम्हारी शक्ति का दूसरा रूप कैसे हो गया? मैं वुल्फा की शक्ति हूँ, गुर्राज भाटिकी की शक्ति का हिस्सा हूँ, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा, चले जाओ यहाँ से। मेरी भेड़िया फौज के सैनिकों, टूट पड़ो इन पर, खदेड़ दो इन्हें जंगल से बाहर। ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे सैनिक हो, हटो पीछे। भेड़िया पर झपटते उस भेड़िया को कुंगफू की खिलाड़ी जैन की ठोकर ने उछाल फेंका। भेड़िया, मुझे लगता है हमें इनका और कोबी का मुकाबला करना होगा। ओह, आज तो पूंछ शक्ति भी नहीं है मेरे पास। दूर हटो शैतानो। आह हा हा हा, बहुत बहादुरी दिखा रहे हो तुम दोनों, मगर बचोगे नहीं, भेड़िया नोच डालेंगे तुम्हें। उफ,
हमें मरने का भय नहीं है दुष्ट को भी, मगर मौत आसानी से नहीं आएगी। भेड़िया, टूट पड़ो इन पर, अपनी गदा का आह्वान करो। ओह, ये क्या, मेरे पुकारने पर भी गदा नहीं आई। दूर हटो शैतानो, थड़ थड़ाक। ओह, ये क्या, उफ, पूंछ बढ़ाने की शक्ति भी कोबी में चली गई। भेड़िया का पूरा हिंसक रूप कोबी बनकर उसके शरीर से निकल गया है। अब उसके सामने जो भेड़िया है वो एक बेहद ही मासूम, निर्बल व अहिंसक भेड़िया है। आह, हा हा हा, फाड़ कर सुखा दो इन्हें। तभी एक तरफ से भीषण शोर उठा, मारो मारो, गुर्र गुर्र, मारो मारो, दूर कर दो उस पाश्विक दुर्गंध को जो हमारे भेड़िया देवता के शरीर से निकली है। जंगल का वो हिस्सा जैसे रणभूमि में बदल गया। गुर्र, अपने मददगारों को देखकर भेड़िया वे जैन भी उत्साह में भर गए। शाबाश, मुकाबला करो इनका। उफ, नहीं, ऐसा खून खराबा नहीं देख सकता मैं। इस खून खराबे को रोकने के लिए मुझे तुझे रोकना ही होगा शैतान को भी, थड़, और तुझे रोकने के लिए तेरा इंतजाम करना ही होगा, और तेरा इंतजाम करने के लिए तेरे साथ ये सब करना जरूरी है। ये कटीले वृक्ष तेरी दरिंदगी दूर कर देंगे। हुम्फ। जंगल में भीषण कोहराम मच गया था। एक तरफ जानवरों और इंसानों की सेना लड़ रही थी तो दूसरी ओर दोनों सेनाओं के सरदार। रुक जा भेड़िया, मुझे मौका मिला तो मैं तुझे पेड़ की तरह जमीन में गाड़ दूंगा, और उस मौके के लिए मुझे अपने नाखूनों से ये बंधन काटने होंगे। भेड़िया, अब मैं तुझे अपनी पूंछ शक्ति से खत्म कर दूंगा। भेड़िया ने अपने हाथों को एक विशेष मुद्रा में सीधा किया। मान लिया कि मेरी सभी चमत्कारी शक्तियाँ इस शैतान के साथ ही निकल गई हैं, मगर गुरुराज भाटिक का सिखाया युद्ध कौशल मेरी वो विद्या है जो किसी की गुलाम नहीं बन सकती। आह, मेरी पूंछ। ओह, भेड़िया ने ये कैसा प्रहार किया मेरी पूंछ पर। मैं अब अपनी पूंछ आगे नहीं बढ़ा पा रहा, वो निढाल सी जमीन पर गिर पड़ी है। मगर भेड़िया देवता की गदा के प्रहार से यह बच नहीं पाएगा। हे भेड़िया देवता, मदद! प्रकट हो तो गई गदा तेरे हाथों में शैतान को भी, मगर तू इसे चला नहीं पाएगा। आह, देख क्या रहा है कोबी, तेरे सामने गदा है, उठा, कर वार मुझ पर। उफ, मेरे इस बाजू में तो जैसे प्राण ही नहीं रहे। उफ, चटाक, देख तू लड़खड़ा रहा है कोबी, अब तेरी धड़कनें तेरा साथ छोड़ेंगी। खट। चारों ओर से हर्षोल्लास से भरे स्वर गूंज उठे। हमारा भेड़िया देवता विजयी रहे। भेड़िया, इस शैतान को हम खत्म करेंगे। नहीं, ठहरो, रुको, कोबी के भेड़िया को भी भगा दिया था जंगलियों ने, भेड़ियों को। भेड़िया, मेरे विचार में इसे उस कुएं में दफन कर देना चाहिए। हाँ भेड़िया, अगर ऐसा ना किया तो ये शैतान जंगल में फिर तबाही मचाएगा। वैसा ही किया गया। कोबी की कब्र उस अंधे कुएं में ही बनाई जाने लगी। आह, कई सुलगती आंखों ने देखा वह लोमहर्षक दृश्य। कैसे बन जाने देते भेड़िया फौज के सिपाही उस कब्र को जो उनके देवता की थी, उनके असली भेड़िया देवता की, जिसमें से उन्हें आई थी अपनत्व की पाश्विक गंध। कू आह, कू, होश में आने लगा था कोबी, और क्रोध में भी। इस क्रोध में उसके होठों पर एक ही नाम उभरा, गुरुराज भाटिकी, प्रकट हो और कृपा कर मुझे बताए कि किला खाली करने के लिए मैं अब क्या करूं। प्रकट हो गए गुरुराज भाटिकी। पुत्र कोबी, मंजिल तो तुम्हारे सामने ही है। ये कुआं किले में जाने का ही गुप्त रास्ता है। अब तुम किले में इसी रास्ते से प्रवेश करोगे। तुम्हारा किले में पहुंचना इसलिए जरूरी है क्योंकि वुल्फानों तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता किले से ही है। तुम्हें किले में पहुंचाने का मेरा एक और मकसद भी है। तबाह हो चुके वुल्फानों को बसाने के लिए तुम्हारे साथ एक स्त्री का होना नितांत आवश्यक है।
और वो स्त्री जेन ही हो सकती है। तुम्हें किले से जेन को अगवा करना होगा, उसे अपनी वधू बनाना होगा कॉपी, और फिर बढ़ना होगा उस द्वार तक जो एक तिलिस्म से होकर गुजरता है। इस तिलिस्म में प्रवेश के साथ ही वुल्फानों का द्वार भी खुल जाएगा, जो तुम्हें 50,000 साल पीछे वुल्फानों में ले जाएगा। मगर ध्यान रहे, ये द्वार केवल एक बार ही खुलेगा। अगर इस बीच तुम उसे पार नहीं कर पाए तो फिर तुम कभी वुल्फानों नहीं पहुंच पाओगे। उसके बाद गुरुराज भाटकी उसे जेन तक पहुंचने और फिर तिलिस्म में प्रवेश के रास्ते के बारे में बताने के बाद बोले, तिलिस्म में प्रवेश करते ही वहां रखा छाया समय सूचक उठाना मत भूलना। तुम्हें उस श्वेत समय यंत्र के पूर्ण रूप से काले हो जाने के पूर्व ही तिलिस्म का द्वार पार करना होगा। अब कुएं के तल में नजर आते हुए उस पंजे को पांव से दबा दो। इस द्वार से अंदर जाओ को भी, और वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। और हाँ, अपने इन शुभचिंतक भेड़ियों की फिक्र न करना, इन्हें मैं जंगल में पहुंचा दूंगा। और अब भेड़िया के किले में जो होने वाला था वो सचमुच विस्मयकारी व गजबनाक था। अच्छा भेड़िया, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि जेन। ना जाने क्यों जेन के जेहन में भूकंप सा मचा हुआ था। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। ओह, ये क्या, ये पलंग कैसे हिल रहा है? आ भेड़िया, ओह ये क्या, जेन अपनी सैया सहित फर्श में समा गई। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।